नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के खगड़िया से प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। इसी बीच गरीब कल्याण रोजगार योजना पर सियासत तेज, बंगाल छत्तीसगढ़ में लागू करने की उठी मांग। गलवान संघर्ष के 7 दिन बाद आखिरकार चीन ने माना, भारतीय जवानों ने उसके करीब 20 सैनिक मारे। झड़प के बाद नई दिल्ली ने कई दिनों पहले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि लद्दाख की गलवान घाटी के संघर्ष में चीन के 20 जवान शहीद हुए हैं। वहीं बीजिंग अपने हताहतों के बारे में अभी तक साधे हुए था चुप्पी। कोरोना से 20 लाख टन नहीं बिकी चीनी, क्योंकि ठंडी पड़ी आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक की मांग। अब देश के विभिन्न हिस्सों में होटल, कैंटीन, ढाबा, रेस्टोरेंट खुलने से चीनी की मांग में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे नकदी के संकट से जूझ रही चीनी मिलों की आर्थिक सेहत सुधरने की उम्मीद जगी। लेकिन कोरोना ने चालू सीजन में चीनी की खपत में चपत लगा दी है, जिसकी कसक उद्योग को बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार बहुत जल्दी कोविड-19 के लिए एंटीजन टेस्ट शुरू करने जा रही है और पहले चरण में ये लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर व कानपुर नगर में किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कराया जाएगा एंटीजन टेस्ट। पूर्वी यूपी में जमकर हुई बारिश, कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। जल की मानसून और जोर पकड़ेगा और अगले 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा होने की प्रबल संभावना है। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भागों में अनेक स्थानों पर, जबकि पश्चिमी हिस्सों के कुछ इलाकों में बारिश हुई। गर्मी से सरहद पर रेत बनी आग का दरिया, फिर भी बीएसएफ जवानों के हौसले बुलंद। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के जैसलमेर से लगती पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। बॉर्डर पर तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तपा देने वाली गर्मी में जवान मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने बुलंद हौसलों से देश की रक्षा कर रहे हैं। अवशिष्ट जल में भारतीय वैज्ञानिकों को मिले कोविड-19 के जीन, दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हुआ। इस सफलता से देश में अवशिष्ट जल आधारित महामारी विज्ञान के जरिए कोविड-19 की वास्तविक निगरानी का रास्ता साफ हो सकता है। IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि अहमदाबाद के अवशिष्ट जल में विषाणु की जीन प्रतियां बढ़ी हैं, जो शहर में बीमारी की घटनाओं से मेल खाती हैं। यूपी में 1 जुलाई से खुल जाएंगे प्राइमरी स्कूल, शिक्षकों को आना होगा अनिवार्य। इस संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने जारी किया आदेश। उन्होंने कहा है कि जुलाई से शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूलों में मौजूद रहकर जरूरी काम पूरे करें। इसमें सबसे पहले शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना है। दीपा ऐप के जरिए शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना है। भारतीय वायुसेना की तैयारी से खौफजदा चीन, तिब्बत में 3 एयरपोर्टों पर बढ़ाए लड़ाकू विमान। ताज़ा स्थिति यह है कि इस वक्त दोनों देशों की वायुसेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट तिब्बत में 3 एयरपोर्ट, नेगेरी, सिकात्से तथा नाइकची हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। डिजिटल तरीके से ही होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग और भुगतान, जुलाई से 80% का लक्ष्य। अगर आप सभी गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक कराते हैं तो आदत बदल लीजिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने केंद्र एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग का निर्देश दिया है। उम्मीद करते हैं आपको यह खबरें पसंद आई होंगी। खबरों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।